उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार प्राइवेट बस की कार से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में मासूम समेत 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ओमिनी कार सवार सोनू अपने परिजनों के साथ फरुखाबाद के जहानगंज निवासी अपने बहनोई के अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे। इस दौरान कन्नौज डिपो की रोडवेज बस देर शाम फरुखाबाद की तरफ से जा रही थी, तभी सदर कोतवाली के नेशनल हाईवे 91 पर जलालपुर चौकी के पास रोडवेज बस और ओमिनी कार से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ओमिनी कार के परखच्चे उड़ गए और रोडवेज बस खड्डे में जा गिरी। घटना में ओमिनी कार ड्राइवर सहित 3 की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 की हालत नाजुक होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इसमें 7 लोग इंजर्ड आए थे और 3 ब्रॉडेड आए हैं, उसमें से ब्रॉडेड में एक बच्चा भी है। 7 लोगों में से 6 लोगों को तिलवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, 1 अभी हमारे पास यहाँ एडमिटेड है। कितने की हालत गंभीर थी? 6 के 6 जो रेफर हुए उनकी सबकी हालत गंभीर थी। ब्रजेश को थोड़े सामान्य चोटें हैं, उनको यहाँ पे भर्ती करके इलाज। एक्सीडेंट के बारे में सूत्रों से हमको ये पता चला है कि ये सब अंतिम संस्कार के बाद लौट रहे थे एक मारुति वैन में, रोडवेज बस से टक्कर हुई है जलालपुर के पास। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर डीएम राकेश कुमार मिश्रा घायलों का हालचाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया। आज जलालपुर पनवारा के पास से एक रोडवेज की बस जो कन्नौज से गुरसाईगंज की तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ से एक इको वैन जिसमें बिल्लौर के 10 लोग बैठे थे, वो लोग गुरसाईगंज की तरफ से आ रहे थे और कदाचित रोडवेज की बस ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों का मौके पर ही निधन हो गया और 7 लोग घायल हैं। 7 में 6 लोगों के चोटें गंभीर हैं और 1 लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जो ज़्यादा घायल थे उनको मेडिकल कॉलेज तिरुआ में रेफर कर दिया गया है। नहीं, अब देखिए अभी तो हम लोग आए हैं, अब उस समय उनके पास जितना स्टाफ था जितना उन्होंने किया है, लेकिन ज्यादा लोग जो गंभीर थे उनको तुरंत रेफर किया है। आपको बता दें कि इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। हालांकि मृतकों में एक बच्चा और एक महिला शामिल है। ये 3 मृतक कानपुर के बिल्लौर इलाके के रहने वाले हैं। कन्नौज से नित्य मिश्रा की रिपोर्ट।